भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जोगिंदर नगर के मच्छिंद्र नाथ के प्रांगण में खुदर ग्राउंड में मच्छिंद्र स्पोर्ट्स क्लब द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र की 14 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000 रुपए जबकि उपविजेता को 8,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। बुधवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ जोगिंदर नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राकेश धरवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ नौजवान दोस्तों के साथ। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम भी ऐसे चाहे स्कूल लेवल के टूर्नामेंट होते थे या कॉलेज लेवल में क्रिकेट के या वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होते थे तो बड़े जोश और बड़े इंटरेस्ट के साथ ग्राउंड में आते थे और टूर्नामेंट खेलते थे। और मैं फिर कहना चाहूँगा नौजवान साथियों को, क्योंकि जो आपने जोगिंदरनगर इलाके के अंदर मुहिम छेड़ी है नौजवान साथियों को जोड़ के खेल कूद प्रतियोगिता में जिस तरह से आप भाग ले रहे हैं, ये एक नौजवान साथियों के लिए अपने जो भविष्य है, जो उनका गोल है जिंदगी में, वो जिस भी मुकाम में पहुंचना चाहेंगे उस मुकाम में पहुंचने के लिए ग्राउंड हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल देता है, एक फाइटिंग स्पिरिट देता है। और बार बार अगर हम किसी अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए अगर हमें एक दो बार जो हम पीछे रह जाते हैं तो एक जो अच्छा खिलाड़ी होता है जो ग्राउंड में खेल के आता है, जो कंपटीशन करता है, जो वर्जिश करता है, एक्सरसाइज करता है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसके इतने मजबूत इरादे हो जाते हैं कि वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है बड़े आराम से जो है अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आज साथी सब आप जानते हैं कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान साथी है, वो आप इस अपने इलाके का, अपने जोगिंदरनगर का, अपने देश और प्रदेश का भविष्य है। आपने आगे जाना है देश और प्रदेश में का भविष्य है। कईयों ने आप में से जो है आर्मी में जाना है, फौजी अफसर बनना है, फौज में जाना है, कुछ ने डॉक्टर बनना है, कुछ ने दूसरे जो हमारे सरकारी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे अपनी सर्विसेज देनी है। तो एक खेल खिलाड़ी जो है अनुशासन डिसिप्लिन सीखता है ग्राउंड में, उसे अनुशासन में रहने की जो एक प्रेरणा मिलती है वो खेल से मिलती है, ग्राउंड से मिलती है। और एक जो खिलाड़ी होता है एक सुलझा हुआ अनुशासन सिपाही होता है और वो अपने जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी जो है डिसिप्लिन में जीता है। और आज हमारा जो युवा कुछ एक नौजवान साथी हमारे भटके हुए हैं उनको आज खेल के माध्यम से आप जो है जोड़ सकते हैं, जैसे नशे में है, कुछ दूसरी जगह में है। तो एक खिलाड़ी जो एक खिलाड़ी होता है वो उसको इन गलत बुराइयों से जो है दूर रख सकता है। और आप जो काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर है हमारे प्रथम लखनपाल जी और उनकी सारी टीम, ये बहुत बढ़िया आप नौजवान लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो क्रिकेट ट्रॉफी जो आप बार बार इस तरह की क्रिकेट ट्रॉफी करवा रहे हैं, चाहे आप मुझे पहले ऊपर भट्टा में जाने का मौका मिला, बहुत सारे साथी लोग वहाँ पे आप थे, उसके बाद बनाई में टूर्नामेंट हुआ वहाँ में गया था, आप लोगों ने बुलाया था और आप लोग वहाँ पे थे, थ्री डी में टूर्नामेंट हुआ, अभी एक चौंतड़ा में टूर्नामेंट हुआ वहाँ भी मैं गया था। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आप जैसे जो नौजवान साथी है, आप भविष्य के जो नौजवान है, भविष्य जो हमारा फ्यूचर है, जो आप जिन्होंने जो है इस देश और इस समाज के निर्माण के लिए काम करना है, मैं फिर आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आपके लिए जो आज आपने बुलाया, मैं थोड़ी सी आपकी जो ऑर्गेनाइजर है 2100 रुपए अपनी तरफ से जो है इस टूर्नामेंट की के लिए मदद करता हूँ, धन्यवाद। हिमाचल दर्शक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र
हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।